बालक ड्यून प्रोफेसी का फर्स्ट एपिसोड तो सभी ने देख ही लिया होगा, लेकिन आपने बहुत कुछ मिस कर दिया होगा, तो अभी उन सारी हिडन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको आगे की स्टोरी को और भी अच्छे से समझने के लिए हेल्प करके जाएगा। लेकिन उससे पहले एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, जो बहुत ही सॉलिड एंडिंग डिलीवर करके गया है अपना डेसमंड हार्ट ने। तो भाई पैसा वसूल कर दिया, क्योंकि अभी तक सिस्टरहुड सी इतने पावरफुल देखने को लग रहे थे इस फर्स्ट एपिसोड में, पर डेसमंड हार्ट भाई बाप निकला इनका भी मैजिकल पावर के मामले में। बात शुरू करने से पहले सपोर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बस यही चाहिए हमें आपसे, और शेयर कर दो उनको भी जो ड्यून प्रोफेसी के लिए लंबे समय से वेट कर रहे थे। भाव लोग, एंडिंग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी इसकी, क्योंकि जो मैजिकल थिंग्स हम वो सब देख रहे थे वो सिर्फ सिस्टरहुड्स पे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अपना डेसमंड हार्ट भाई ये कब से जादूगरी करने लगा। देखो, डेसमंड हार्ट वो है जो इंपीरियल आर्मी का एक सैनिक है, और जस्ट अभी अभी अराकिस प्लेनेट से सर्वाइव करके आया था। लेकिन अराकिस प्लेनेट की एक क्लिप अपने याविको कोरिनो को भी मिली, जहां एक बंदे के सामने सैंडबॉम था, और जैसे वो उसको एडमायर कर रहा हो, लेकिन इतना क्लियर नहीं हो पाया कि वो सर्वाइवर डेसमंड हार्ट ही था या कोई और। वैसे मेरा शक डेसमंड हार्ट पर ही जा रहा है। और तभी लास्ट सीन में डेसमंड हार्ट प्रूवर्ट रिचेजी के साथ देखने को मिलता है, जो 9 साल का रिचेजी प्रिंस है, जिसने जस्ट अभी अभी प्रिंसेस येनेच के साथ शादी करी थी, और जिस AI टॉय को उसने शादी फंक्शन में निकाला था, बस उसी के साथ खेल रहा होता है, और डेसमंड हार्ट उसे इंटरफेयर करता है, एंड डेसमंड हार्ट अपने दिमाग में हाथ रखता है, और वो प्रूवेट का वो टॉय गायब हो जाता है। देन तभी प्रूवेट एक ऐसी आग से जलकर मरने लगता है जो उसके अंदर से निकल रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ वेलेक 9 में सिस्टरहुड ठिकाने पर मदर कासा भी सेम डेथ फॉर्मेट से मरी थी जैसे प्रूवेट रिचेजी मरता है, अंदरूनी आग से जलकर। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे, क्योंकि डेसमंड हार्ट को तो नॉर्मल सैनिक ही समझा जा रहा था अभी तक, बट ये कौन सी पावर इसके पास आ गई जो दूसरे प्लेनेट में रह रही कासा को भी मार डालता है। बाबा, माना जा रहा है कि डेसमंड हार्ट का कैरेक्टर एक घोला है। घोला वो होते हैं जो आर्टिफिशियल क्रिएटेड ह्यूमन होते हैं, मींस ये कि रियल डेसमंड हार्ट के लिविंग सेल से ही इस आर्टिफिशियल ह्यूमन को तैयार कराया गया होगा, दैट्स वाई कि इसके अंदर की इतनी सुपीरियर पावर्स हैं। और जब शादी फंक्शन में वो AI टॉय जब डेसमंड हार्ट के हाथ लगा, यानी जब उसने उसे अपने चाकू से मारा, तो शायद उस AI टॉय की मदद से डेसमंड हार्ट अचानक इतना पावरफुल हो गया होगा। लेकिन कुछ का मानना है कि वो घोला नहीं है, मे बी अराकिस जाकर उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, जो शायद यहां सेलुसा सेकेंडस में आकर अराकिस के लिए काम कर रहा होगा, ताकि इंपीरियल आर्मी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर दे और अराकिस पर कोई ना आ पाए। तो देखते हैं बाबा, डेसमंड हार्ट का कैरेक्टर क्या हो सकता है आगे जाकर। फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है कि वो काफी पावरफुल है और जादूगरी भी करता है, मेरे हिसाब से घोला हो सकता है। और यस, ये तो हम जानते ही हैं कि डेसमंड हार्ट सिस्टरहुड से कितनी नफरत करता है, दैट्स वाई कि कासा को मारकर करीनो फैमिली से सिस्टरहुड का साया फिलहाल टेम्पररी ऑफ टाइम के लिए उठा दिया है। बट मोस्ट प्रोबेबली अब नेक्स्ट मदर ट्रुथ शेयर तबू देखने को मिलने वाली है अगले एपिसोड से करीनो फैमिली में, तो मैं एक्साइटेड हूं तबू को डेसमंड हार्ट से भिड़ता हुआ देख। लेकिन एक मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है कि डेसमंड हार्ट भला सिस्टर्स हिट से इतनी नफरत क्यों करता है। मे बी डेसमंड हार्ट ये जानता हो कि एक्चुअल में ड्यून यूनिवर्स को इशारों में सिस्टरहुड ही चला रही है, जहां कहने को तो हर एक हाउसेस के अपने शासक हैं, पर ये सब सिस्टरहुड के इशारों में ही नाचते हैं, क्योंकि वहां पर एक ट्रुथ शेयर है और ट्रुथ शेयर पूरा कंट्रोल करती है। क्योंकि यस, एज ट्रुथ शेयर जो भी सिस्टरहुड फैसला लेगी, ऑटोमेटिक शासकों को उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सारे शासक उस चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं। सिस्टरहुड ने सारे शासकों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी नष्ट कर दिया है खुद पे डिपेंडेंट बनाकर, और यही तो वालिया हार्कनन चाहती थी, ताकि ड्यून यूनिवर्स पर उनकी पकड़ यूं ही बनी रहे और मदर रकेला ने जो देखा सिस्टरहुड का नाश वो होने से रुक जाए, जिसका मेन हथियार है ब्रीडिंग इंडेक्स को अपने कंट्रोल में लेना, मतलब बच्चों को पेट से ही अपने हिसाब से कंट्रोल में रखना, जिस ब्रीडिंग इंडेक्स से वो ये सब कर पाएंगी, ताकि टायरन अराफल पैदा ही ना हो पाए, यानी एक ऐसा तानाशाह जो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, और तानाशाह तो तबाही ही लाता है, वी ऑल नो दैट। बट जिस रास्ते को सिस्टरहुड अपना रही है वो भी तानाशाही से ही भरा हुआ है, तो शायद इस चीज को रोकने के लिए डेसमंड हार्ट का कैरेक्टर को डिजाइन करा गया है इस ड्यून प्रोफेसी में। बाकी कासा को येनेच को लेकर एक सॉलिड विजन आया, जहां वो सैंडबॉम के मुंह में थी और वही मॉन्स्टर की आंखें देखने को मिली जो मदर रकेला के विजन में लास्ट में देखने को मिली थी। लेकिन मदर रकेला का एक विजन तो कंप्लीट हुआ, वो देखती है कोई लेडी आग से जल रही है खुद की अंदरूनी आग से, और मदर कासा हमें जलते हुए नजर आई। उसके बाद वेडिंग ड्रेस का विजन आया, येनेज ने जो पूरा किया,
क्योंकि वेडिंग में उसने जो रेड ड्रेस था वो यनेज ने भी पहन रखा था अपनी शादी सेरेमनी में। तो देखते हैं बाबा इसके आगे और डेटा मिलेगा तो इस पर अच्छे से बात कर लेंगे इस पार्ट पर और भी डिटेल में। बाकी इतना कुछ नहीं था जितने जिन पे खुल के बात हो सके, लाइक कॉन्स्टेंटाइन कोरोनियो का कैरेक्टर भाई काफ़ी पोटेंशियल कैरी करता है, इस पर आगे बात करेंगे जब और डेटा हमें मिल जाएगा। इसी के साथ केरेन एटिडिस का जो हमें शॉर्ट्स मास्टर देखने को मिल रहा है वो भी कैरेक्टर बहुत पोटेंशियल कैरी करता है, तो इस पर भी आगे बात करेंगे। बाकी ड्यून प्रोफेसी फर्स्ट एपिसोड के लिए इतना ही सब कुछ था जहां तक मैं समझ पाया इस एपिसोड को, बट एंडिंग सॉलिड थी, दैट्स वाई कि मुझे लगा कि इस पे एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आनी चाहिए, एक ब्रेकडाउन वीडियो आनी चाहिए। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक पहुंच गए तो उसका मतलब वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ड्यून प्रोफेसी या फिर ड्यून यूनिवर्स से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझसे छूट रही हैं तो नीचे जरूर मेंशन करके जाना, उस पर आगे डिटेल में कभी बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।